हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और मैं जा रहा था पंजाब यार आज, और हमें जाना है नई दिल्ली से, लेकिन अब हम जा रहे हैं, देखो मैं खड़ा कहाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो अभी जाके नई दिल्ली पे जाऊँगा, उसके बाद वहाँ से ट्रेन लेंगे। एक फ्रेंड आ रहा है, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसको लेके फिर चलते हैं। सोच रहा था कि गोवाना से ही अपना व्लॉग बना रहा था, लेकिन यार गोवाना में ऐसा हुआ, मैं भूल ही गया कि व्लॉग भी बनाना है, तो अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ अपना ओल्ड दिल्ली से। सही है, वैसे दिल्ली आ रहा है, मस्त मस्त लग रहा है काफ़ी। ये रहा हमारा पतला सा फ्रेंड, हाय बोलो। हाय, ये गालियाँ बक रहा है, बहुत गंदा बच्चा। बट एक ट्रेन तो गई, दूसरे का वेट कर रहे। तुझे भी करना चला आजा। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं करूँगा। तो यहाँ से गुरुग्राम के आ गया, और आपका आ जाने वाला जामा मस्जिद जाना है ना। चलो जामा मस्जिद नहीं जाना। दिक्कत कहाँ है बे? तो गाइस, हमने ट्रेन ले लिया था और आ चुके हम। ये उल्टा दिख रहा है, ये दसुआ है, उल्टा दिख रहा है भाई ये वीडियो में, मैं क्या कर सकता हूँ। दसुआ दिख रहा है, दसुआ का पता नहीं है क्या है, ये क्या ही लग रहा है, लग रहा है जैसे पंजाबी लिख दिया, पंजाबी तो उधर लिख रखा था इन लोगों ने। तो गाइस, हम यहाँ आ चुके हैं और यहाँ से चाहिए हमें दूसरी ट्रेन, और दूसरी ट्रेन से हम कहाँ जाने वाले बे, कहाँ जाएंगे बे, पता नहीं कहाँ जाएंगे अभी, और आगे चलेंगे। हाँ ये देखो, अबे तू काड़ा हो रहा है, कति काड़ा हो रहा है भाई। गाइस आ चुके हैं जलंधर तक, और आगे कहाँ जाना है, आगे जहाँ पे जाना है चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्या बोलते हैं, झुकेगा नहीं आप, तुझे नहीं आना, बाय। तो ये है जलंधर की ट्रेन जिनमें हम आए थे, लेकिन अब हम जा रहे हैं वो भी गंदी आवाज के साथ। ओए इनको देख लो, ये अच्छी अच्छी आवाजें निकाल ले, मियां खलीफा और सनी लियोनी दोनों ही मिल रहे। हाँ चल दिखा दूंगा भाई, मैं यूट्यूब पे डाल भी दूंगा, तुझे कुछ क्या लग रहा है। कहाँ जा रहे हैं अभी, एक और ट्रेन लेंगे यार, जलंधर में ऐसे पेट्रोल पंप होते हैं, इससे अच्छे तो हमारे बवाना में होते कसम से। और ये रोड है बस स्टैंड के, और ये क्या लिखा है बस, ये क्या लिखा है, अजीत समाचार, चल कोई ना अजीत ही लिखा, इतना पढ़ना आता है मुझे पंजाबी समाचार, या प्रेस चल रही है ये। गाइस ये है यहाँ पे स्कूल, इसकी बिल्डिंग तो मुझे नहीं दिख रही, बस झाड़ियाँ दिख रही कसम से। और किधर जा रहे भाई, भाई चाल लो मत नू चाल, ज़ूम आउट, बच्चों किधर है, इधर है, क्या है, कुछ अच्छा लग रहा है मुझे तो, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। श्री राम चरणम, और ये बच्चे, हमें यहाँ जाना इन रोड पे, बस स्टैंड अभी तक हम नहीं पहुँचे, देख रहे हो। जलंधर में किसी को आना हो तो आ सकते हो, जिसे नहीं आना वो बाहर में जाओ। विशाल विशाल मानी पटेल आजा, मानी पटेल मॉल पटेल आजा, मॉल है विशाल मॉल, देखो यार मुझे तो विशाल मॉल दिख रहा, मेरे दोस्त का मॉल है जाके फ्री में, तो विशाल मेगा मार्ट होता है, छुपी हो देता क्या डाला था जी यार, मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है, तो चल लाओ तेरी चलती है ना, अबे स्पीड भगा बे, और ड्राइवर कहाँ गए तेरे को, बाय बाय, क्या कर रहा है, भक्ति होती खत्म हो गया। ये देखिए अंकल हमें देख के बोल रहा है, तुम्हारा चालान काट दूंगा अभी नीचे उतर के। हाँ अभी थोड़ी देर पहले आते ही आधे घंटे में, अरे साहिल तेरे शहर वाले गाने लगे, तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पे, बहुत ही
बाद 3 दिन हो गए। हाँ 3 दिन हो गए, सुबह उस दिन गया था, परसों परसों आज तीसरा दिन, 3 दिन बाद घर पे आया। और जब हम जलंधर में थे तो उस टाइम में तो बैटरी ठीक थी, उसके बाद बैटरी ख़त्म हो गई फ़ोन की, पावर बैंक की, दोनों तीनों सभी फ़ोनों की बैटरी ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग वहाँ बलाचौर गए थे और उसके बाद फिर गोल्डन टेम्पल भी गए, लेकिन बैटरी नहीं थी, वजह से फ़ोटो वगैरह भी हमने नहीं खींचा, तो ब्लॉग तो मैं क्या ही करता, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह हमने बनाया नहीं। तो जलंधर तक के ब्लॉग्स हैं, तो मैं वो और साथ में जो जो जाके अपलोड कर दूँगा, और उसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे वो सच में जलंधर के आगे ही हमें मजा आया था, तो उसके आगे सच में ब्लॉग बना नहीं पाया, बहुत बुरा लगा मुझे, दिल से बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे बनाना था सच में कुछ ब्लॉग्स। और बलाचौर में भी मैं किसी से मिलने गया था, तो उससे मुझे मिलवाना था ब्लॉग शायद, लेकिन नहीं मिल पाया, सॉरी। और इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म होते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना अपने फैमिली के साथ, क्या पता वो भी हमारी तरफ भटक रहे हो, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटक भटक के गए थे, और हमें जहाँ हम गए थे ना उससे बहुत ज़्यादा पीछे से हम जा सकते थे, फिर भी वहाँ गए इतना ज़्यादा पैसे बर्बाद किए, बहुत बहुत ज़्यादा बर्बाद पैसे बर्बाद किए, और जहाँ भी जाओ हमें पता ही नहीं कहाँ जाना। और जब मैंने बहुत बार बोला है अपने ब्लॉग में कि जहाँ जिस भी स्टेशन पर जाओ पता नहीं आगे कहाँ जाना है, बस जाना है, रुकना कहीं नहीं है। अब हम तो सोच रहे थे कि कश्मीर चल देते, कटरा साइड वैष्णो देवी चल देंगे, लेकिन फिर वहाँ जाने का प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा कि टाइम ज़्यादा हो गया और 2-3 दिन और लेट हो चुके थे, तो हम सुबह नहीं कल शाम को रात के टाइम पर हम वहाँ से निकले थे, 10-11 बजे के टाइम पर निकले थे, हम जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, और हम वैष्णो देवी जाते तो कल पूरे लगभग 10-11 बजे तक दिन में पहुँचते, उसके बाद फिर कल का दिन भी लगता, फिर आज हम शायद वहाँ से निकलते कश्मीर से, तो इस वजह से हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से हम निकल गए वहीं से, हम इस वापस आ गए थे अपने घर पर, और आज सुबह 9 बजे में आ गया था, मज़ा बहुत आया। और मुझे यार ये जो है ना ब्लॉग इस वजह से स्टोरेज बढ़ चुका है मेरे फ़ोन का, तो कट हो रही, तो मुझे ये नहीं पता कि मैंने क्या बोला, क्योंकि 2-3 बार मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो क्या क्या बोलते हैं क्या क्या दिन बोलते हैं, इस वजह से मैं कन्फ्यूज हो क्या बोल रहा हूँ दोबारा मैं क्या, तो मैंने मैनेजर की बातें बता दी है से, है ना, हम भी समय बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा हंसा है, और मैंने किसी को बोला था कि मैं वापस जाऊँगा बलाचौर, लेकिन नहीं आ पाया उसकी वजह से, हाँ मेरा मन करा है दोबारा जाऊँ, तो बता देना मैं कब आ सकता हूँ, या फिर कब अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या बोल रहा हूँ मैं किसी भी, तो कहाँ जाना चाहिए। तो यार मैं फिर से चाहता हूँ कि किसी लॉन्ग टूर पे चले, तो आप लोग बता देना कहाँ जाऊँ और कब जाऊँ, तो उसी हिसाब से हम लोग देख लेंगे, फिर दोबारा से चलेंगे, दोबारा से मजे करेंगे, बहुत मजे आए यार। फिकी फिकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग, सारे प्राण मेरे।